हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। और आज हम करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच को। तो मेरा नाम है रुबेना तलवार और आज हम करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अब पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ तो उसमें मेरे शब्द का प्रयोग हो रहा है ना। मैंने कहा कि वेलकम टू इंग्लिश क्लास, वेलकम टू इंग्लिश क्लास, आप सबका स्वागत है अंग्रेजी की कक्षा में, आप सबका स्वागत है अंग्रेजी की कक्षा में। तो जब भी हम ये बोलते हैं शब्दों को, तो जो शब्द होते हैं वो एक हेड में आते हैं व्याकरण के। आपको पता है ना कि अक्षर से शब्द बना, शब्द से अक्षर से शब्द बना, शब्दों से वाक्य बना, वाक्यों से निबंध बना, है ना। तो लेटर्स मेक अ वर्ड, लेटर्स मेक अ वर्ड, या ग्रुप ऑफ लेटर मेक अ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड मेक अ सेंटेंस, एंड अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस मेक अ पैराग्राफ। तो इसी को आज हम देखेंगे कि हम कुछ भी बोल रहे हैं वो व्याकरण में, व्याकरण में किस भाग में आ रहा है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि स्पीच का मतलब क्या होता है। हम जनरली बोल देते हैं स्पीच, स्पीच का आखिर मतलब क्या है। स्पीच का मतलब होता है बेटा भाषण। ठीक है, तो स्पीच का मतलब क्या हुआ, पहला लिख रखा है लेक्चर, मतलब भाषण। दूसरा दे रखा है बातचीत। अब मैं आपसे कोई बात कर रही हूं, मैंने कहा वेलकम टू इंग्लिश क्लास, माय नेम इज रुबेना तलवार, तो मैं आपको क्या दे रही हूं, यहां पर पहले लेक्चर दिया, भाषण दिया, नहीं, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। और आप मेरी क्लास में आए, मैंने कहा और भाई की हाल है तुम्हारा, कैसे हो आप सब, आपने कहा मैं मस्त हूं, मैंने कहा इंग्लिश आती, आपने कहा नहीं ग्रामर ना बेचते नहीं समझ में आती, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप वीडियो को देखो, पहला लेक्चर पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा। तो ये लेक्चर नंबर वन है, लेक्चर नंबर टू में हम और भी करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच को खत्म कर देंगे। आपने कहा अच्छा पक्का, ये इंग्लिश सीरीज जो ग्रामर की सीरीज स्टार्ट करी है, क्या मैं इंग्लिश आ जाएगी, मैंने कहा पक्का आ जाएगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा ठीक है चलो हम देखेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपकी और मेरी बातचीत हो रही है, क्या हो रहा है, आपकी और मेरी बातचीत हो रही है। और बातचीत में हम क्या कर रहे हैं बेटा, शब्दों का यूज कर रहे हैं। तो स्पीच क्या मतलब हुआ, जब हमने बातचीत करी, या मैं आपको आकर कह रही हूं हेलो एवरीवन, माय नेम इज रुबेना तलवार, और आज अंग्रेजी दिवस पर मैं आप सबको अंग्रेजी कैसे उत्पन्न हुई उसका भाषण देना चाहती हूँ, मतलब उसके बारे में बताना चाहती हूँ, तो ये मेरा भाषण हो गया। ठीक है, तो आपके स्कूल में भी चीफ गेस्ट आते होंगे, है ना, स्पोर्ट्स डे पे, चिल्ड्रंस डे पे बुलाया जाता ना बाहर से डीसी को, ठीक है, जनरली बुला लेते स्कूल वाले, तो ये हम भाषण बोलते हैं। और आज हम देखेंगे कि जब हम भाषण दे रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, उन शब्दों को, व्याकरण को किस भाग में बांटेंगे। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, सबसे पहले आप ये समझे कि पार्ट ऑफ स्पीच मतलब पार्ट क्या होता है, बताइए पार्ट क्या मतलब होता है, भाग, ठीक है, भाग। और स्पीच मतलब भाषण, मतलब कि शब्द हम बताएंगे कि जो भाषण में या बातचीत में हम शब्दों को यूज कर रहे हैं वो किस भाग में आते हैं, वो किस भाग में आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच में आठ हेड होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में आठ हेड होते हैं। पहला होता है नाउन, जिसे हम कहते हैं संज्ञा। दूसरा होता है प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं सर्वनाम। तीसरा होता है हमारा वर्ब, जिसे हम कहते हैं क्रिया। चौथा होता है हमारा एडवर्ब, जिसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। फिर हमारा आता है विशेषण, मतलब एडजेक्टिव। फिर हमारा आएगा कंजंक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, संयोजक, संयोजक। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है लास्ट में इंटरैक्शन। ठीक है, इंटरैक्शन में क्या हम बात करते हैं, अपने इमोशंस को, तो इंटरैक्शन वर्ड से उत्पन्न हुआ इंटरजेक्शंस। ठीक है, तो इसे हम करेंगे, आज है हमारा पहला लेक्चर, पहले लेक्चर में हम तीन हेड्स को करेंगे। ठीक है, अगर कह दे हो तो मैं चार हेड भी करा दूंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हेड आता है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, क्या होता है नाउन, नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा।
ठीक है, नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। तो संज्ञा का मतलब क्या होता है? संज्ञा का मतलब होता है ऐसा शब्द, ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताता है। कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान। व्यक्ति क्या होता है? एक जीवित चीज होती है, तो इसमें जानवरों को भी यूज कर सकते हो। व्यक्ति, वस्तु, स्थान। व्यक्ति मतलब लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो पर्सन, प्लेस और अ थिंग। पर्सन का प्लूरल पीपल, ठीक है। तो पर्सन, प्लेस और अ थिंग इंक्लूडिंग एनिमल्स। तो यहां पर मैंने अगर आपको कहा मेरा नाम रुबैना है, तो रुबैना कौन है? एक लड़की है ना, मैं, ठीक है। तो रुबैना यहां पर क्या है? एक व्यक्ति को दर्शा रहा है, मतलब आपकी इंग्लिश की टीचर को दर्शा रहा है। तो यहां पर रुबैना क्या हुआ बेटा? संज्ञा। आप कहां से बिलोंग करते हो? आप कहां से देख रहे हो इस वीडियो को? आपने कहा मैं तो दिल्ली से देख रहा हूं। तो दिल्ली क्या है? एक स्थान का नाम है। और दिल्ली क्या है? संज्ञा है, ठीक है। मैंने कहा आपको क्या पसंद है, मतलब कि आपको कौन सा जानवर पसंद है? तो आपने कहा मुझे डॉग बहुत पसंद है, कुत्ते बहुत पसंद है। डॉग क्या हो गया? एक एनिमल का नाम है। डॉग क्या है? कॉमनली जितने भी डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, उनका समूह, कॉमन नाउन होता है। ये हम जब नाउन को डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब ज्यादा पढ़ेंगे। तो डॉग हमें क्या बता रहा है? डॉग हमें एक जानवर की प्रजाति को बता रहा है। तो डॉग क्या हो गया? एनिमल हो गया। तो डॉग क्या है? संज्ञा है। पर्सन, प्लेस और अ थिंग। मैंने कहा कि आपने कानों में क्या पहन रखा है? आपने कहा मैंने कानों में ना गोल्ड पहन रखा है, गोल्ड के टॉप्स पहन रखे हैं, गोल्ड के इयररिंग्स पहन रखे हैं। तो जब गोल्ड क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ है, क्या है? पदार्थ है। तो गोल्ड क्या है यहां पर? यहां पर संज्ञा हो गई। तो पहला हेड, जब भी हम कुछ बोल रहे हैं तो आती है संज्ञा। क्या आती है? संज्ञा। तो ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो पहला क्या है? नाउन। नाउन मतलब होता है संज्ञा, ठीक है। तो जो भी हम चीज बोल रहे हैं उसका पहला वर्ड क्या है, मतलब कि पहली चीज अगर हमारे को किसी वाक्य में दिखती है वो होती है संज्ञा। हम किसी के बारे में बात तो कर रहे होंगे ना, हम किसी के बारे में बात तो कर रहे होंगे ना, चाहे आपके बारे में बात कर रहे हो, चाहे मेरे बारे में, चाहे किसी और के बारे में, है ना। तो पहला क्या है? नाउन। नाउन मतलब क्या होता है? नाउन मतलब पीपल, प्लेस या थिंग। जैसे मैंने कहा कि एनिमल्स भी इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए इसमें क्या है? डॉग। डॉग का मतलब क्या होता है बताइए? डॉग का मतलब होता है कुत्ता, ठीक है। कैट का मतलब बिल्ली, ठीक है। उसके बाद वर्क, काम, मतलब किसी चीज के बारे में, म्यूजिक, संगीत, किसी चीज के बारे में, टाउन, ठीक है, मलीना, ठीक है। उसके बाद टीचो, बॉब, ठीक है। तो मनीला ये क्या है? एक व्यक्ति का नाम बोल रखा है, ठीक है। मेरे को मनीला से ना हमेशा याद आता है मनाली, जगह का नाम, ठीक है। अब यहां पर एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं इसके, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल है द सन शाइन्स, मतलब कि सूरज चमकता है। सूरज क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। सूरज क्या है? थिंग है, सूरज, ठीक है। आगे अना गोज टू द स्कूल, ठीक है। अना क्या है? लड़की का नाम है। तो ये पर्सन में आ गया और यहां पर ये प्लेस में आ गया। प्लेस का नाम क्या है? स्कूल, ठीक है। तो पहला जब भी हम पार्ट ऑफ स्पीच में देखते हैं वो होता है नाउन, ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच में आपका आता है संज्ञा के बाद सर्वनाम। क्या आता है? सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन, अब मैंने कहा कि बेटा मेरा नाम रुबैना है, तो आप क्या बोलोगे? रुबैना हमारी इंग्लिश टीचर है, हाँ। और आपने किसी को वीडियो दिखाई और आपने कहा शी इज माई इंग्लिश टीचर, वो यह मेरी इंग्लिश टीचर है। तो यहां पर आपने मेरा नाम नहीं लिया, आपने बोला यह मेरी इंग्लिश टीचर है। तो सर्वनाम क्या है? सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर आ सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता चल रहेगा कि उसका नाम क्या है, ठीक है। शी और ही से हमें जेंडर पता चल जाएगा, लिंग तो पता चल जाएगा। आपने मेरी वीडियो दिखाई, आपने कहा शी इज माई इंग्लिश टीचर, ये रुबैना इज माई इंग्लिश टीचर। तो आपने जब नाम को रिप्लेस किया ना मेरे, तो यहां पर रुबैना की जगह शी लगा दिया। और संज्ञा के जगह पर जो शब्द आ सकता है वो होता है सर्वनाम, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या? प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो ये ऐसे शब्द होते हैं जो रिप्लेस करते हैं नाउन को, ठीक है। ही, आई, इट्स, मी, माय, शी, दैट, दिस, दोस, अस, हु, हुम, यू। जब हम इसे बहुत डिटेल लेक्चर में करेंगे ना बेटा, तब आपको मैं ये सारी चीजों को समझाऊंगी, ठीक है। जब हम प्रोनाउन का एक सेपरेट लेक्चर करेंगे, क्योंकि एक एक हेड पे ना कम से कम चार चार पांच पांच लेक्चर बन सकते हैं,
लेकिन आज है हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है, व्याकरण का इंट्रोडक्शन हमारे को पार्ट ऑफ स्पीच देता है। तो हम सिर्फ ये याद रख रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर कोई शब्द आने वाला होता है तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जॉन इज हंग्री, जॉन जो है वो भूखा है, ही वॉन्ट्स टू ईट, वह खाना चाहता है। यहां पर वह जो है उसने रिप्लेस किया जॉन को, तो जो संज्ञा के स्थान पर आना चाहता है उसे कहते हैं हम सर्वनाम। मैंने कहा जॉन ना बहुत ज्यादा भूखा है यार, ही वॉन्ट्स टू ईट, वो कुछ खाना चाहता है, वो कुछ खाना चाहता है। जब मैंने यहां पर बोल दिया कि वो कुछ खाना चाहता है तो क्या हुआ, तो क्या हुआ यहां पर, हुआ कि मैंने जॉन को ही बताया, लेकिन हां, लेकिन हां मैं ये कह सकती हूं कि यहां पर मैंने जॉन की जगह ही को यूज कर लिया। आगे होता है वर्ब, वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है, मैं आपको पढ़ा रही, आप मुझसे पढ़ रहे, पढ़ाने का काम, पढ़ने का काम। क्रिया मतलब काम को दर्शाने वाला, क्रिया मतलब काम को दर्शाने वाला, ठीक है। तो यहां पर क्या है, वर्ब क्या होता है, जो एक्शन को दिखाता है, और बींग, बींग मतलब इन स्टेट, अवस्था को दर्शाता है। एक्शन मतलब जब हम कार्य करें। अब मैंने कहा मैं ना आपके बारे में सोच रही थी यार, मैं सोच रही थी बैठे बैठे, अरे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे या नहीं देखेंगे यार, कई बच्चों को तो मेरा नाम भी नहीं पता था, कई बच्चे तो अभी जुड़े हैं, अरे मैं सोच रही हूँ यार ये इनको वीडियो अच्छी तो लगेगी ना, अच्छी तो लगेगी ना। अब जब मैं सोच रही हूँ आपके बारे में, आपके ख्यालात में हूं, तो मेरा कोई फिजिकल एक्शन चल रहा है, मैं हाथ पर मार रही हूँ नहीं मार रही, मैं तो सोच रही हूँ। क्या ये स्टेट, ये जो अवस्था है, क्या ये भी क्रिया है? हाँ, असल में आप सोचने का कार्य कर रहे हो, असल में आप सोचने का कार्य कर रहे हो। तो क्रिया क्या होता है, एक्शन और स्टेट ऑफ बींग, स्टेट ऑफ बींग मतलब स्टेट ऑफ माइंड, क्लियर। आगे देखो यहां पर क्या है, रन भागना, गो जाना, हैव इनवाइट, लाफ्ड, लिसन, प्लेइंग, सिंगिंग, वॉक, ये सबका सब क्या है, ये सबका सब क्रिया है, ठीक है। तो देखो यहां पर द डॉग एंड कैट आर रनिंग, जो कुत्ता है और बिल्ली है वो भाग रहे हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, बाद में आगे पढ़ेंगे जब हम क्रिया का लेक्चर ध्यान से समझना, तब हम करेंगे, एक सहायक होते एक मुख्य, अभी आपको याद नहीं रखना। मैंने यहां पर बोला कि जो कुत्ता है और जो बिल्ली है वो भाग रहे हैं, भागने का कार्य कर रहे हैं, आर रनिंग। ये क्या हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। अब क्रिया के बाद हमारा आता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, विशेषण क्या होता है, विशेषण। अब देखो ये वह शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं, ये नाउन या प्रोनाउन दोनों को, ठीक है। मैंने कहा शी इज ब्यूटीफुल, आराध्या इज ब्यूटीफुल, आराध्या एक लड़की है मेरी क्लास की, मैंने कहा आराध्या इज ब्यूटीफुल या शी इज ब्यूटीफुल। तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए हमने कोई शब्द यूज किया, उसे हम कहते हैं विशेषण, जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकते हैं, जैसे कि आराध्या इज वेरी ब्यूटीफुल, आराध्या बहुत सुंदर है, सुंदर कितनी है, बहुत ज्यादा है, वो हमारा क्रिया विशेषण हो गया, आगे और चर्चा करेंगे हम, ठीक है। एंग्री, गुस्सा, ब्रेव, हेल्दी, लिटल, ओल्ड, रेड, स्मार्ट, टू, सम, गुड, बिग, इंटरेस्टिंग, ये सारे के सारे क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए एडजेक्टिव के। ब्राउन डॉग, फैट कैट, मतलब ब्राउन डॉग, डॉग कैसा है, नाउन है ना, भूरे रंग का है, ठीक है। कैट है, बिल्ली है, वो कैसी है, मोटी है, ठीक है। गार्डन, गार्डन मतलब क्या है, बगीचा, बहुत बड़ा है। तो यहां पर जो ये बिग है, ये फैट है और ये ब्राउन है, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हो गए। अगला हमारा आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्रेपोजिशन वह शब्द होते हैं जो संज्ञा को अन्य शब्दों से जोड़ते हैं और सर्वनाम को भी अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, संज्ञा संज्ञा को भी जोड़ सकते हैं, संज्ञा और सर्वनाम दोनों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे को क्या दिखाता है, रिश्ता बिटवीन वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ये हमारे को रिश्ता दिखाता है। अगर हम कोई वाक्य बोल रहे हैं तो उसे रिलेट करने का काम, उसमें संबंध दिखाने का काम जो वाक्य करता है, जो वाक्य में शब्द करता है, उसे हम प्रेपोजिशंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अबव ऊपर है, बिफोर पहले है, एक्सेप्ट बजाय, फ्रॉम इन नियर ऑफ सिंस बिटवीन अपॉन विद टू एट आफ्टर ऑन, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये प्रेपोजिशन हो गए, इन ऑन, ठीक है, सिंस तब से, बिटवीन, आई एम गोइंग टू माई गार्डन, मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं। अब यहां पर क्या है, आई,
मैं कहाँ जा रही हूँ, गार्डन में जा रही हूँ अपने। तो यहाँ पर आप देखो ये वर्ड्स को ये ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा शब्द जोड़ रहा है, टू। तो टू क्या हो गया, हमारा प्रेपोजिशन हो गया। ठीक है, कंजंक्शन, कंजंक्शन वह शब्द होते हैं, देखो ये दोनों में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। प्रेपोजिशन एक ही वाक्य में शब्दों को जोड़ते हैं, कंजंक्शन शब्दों को भी जोड़ते हैं और वाक्य दोनों को जोड़ता है। प्रेपोजिशन दो वाक्य को नहीं जोड़ता है, लेकिन जो संयोजक होते हैं या हम कहें कंजंक्शन होते हैं वो दो वाक्य को भी जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर कंजंक्शंस क्या है, ये कनेक्ट करते हैं शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या सेंटेंस को। फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, अभी के लिए आप ये जान लीजिए क्योंकि ये पहला लेक्चर है, इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे आगे, सीरीज अभी तो शुरू हुई है, अभी तो इंतजार करो। फ्रेज का मतलब होता है शब्दों का वह समूह जो हमारे को पूरा मतलब नहीं बताता। मैंने कहा ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, क्या टेबल के ऊपर, ऑन द टेबल, नहीं पता। आई केप्ट ऑन द टेबल, मैंने टेबल पर रखा है, क्या, आई केप्ट ऑन द टेबल। अब यहां पर आई भी है, सब्जेक्ट भी है, केप्ट मतलब रखना, क्रिया भी है, तो जब हमें कर्ता और कर्म दोनों मिल जाते हैं तो वो क्लॉज हो जाता है। लेकिन जब कर्ता हो और कर्म ना हो, कर्म हो और कर्ता ना हो, उसे हम फ्रेज कहते हैं, बस इतना समझ के चलना। ठीक है, एंड और बट सो आफ्टर बिफोर अनलेस ईदर नीदर बिकॉज सिंस, ये सबके सब क्या है, एग्जाम्पल है। जैसे कि मैंने बोला आई वॉज टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था, सो तभी आई वेंट टू स्लीप। तो कंजंक्शन का मतलब क्या है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, क्या, एक पहला ये सेंटेंस और ये पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस। तो सेंटेंस वन और सेंटेंस टू को जोड़ने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, कंजंक्शंस, क्या कहते हैं, कंजंक्शंस। ठीक है, आगे देखो इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मतलब एक्सक्लेमेशन दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शंस को हम एक्सक्लेमेटरी इंटरजेक्शंस भी बोलते हैं, विस्मयादि बोधक, जो हमारी सडन फीलिंग्स को, इमोशंस को बताते हैं। आहा, आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है, ओहो आज तो आप भी आए हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, आहा कहाँ जा रहे हो। तो जब मैंने ये शब्द यूज करे ना, आहा ओ ओहो यमी, तो ये क्या है, ये हमारे इंटरजेक्शंस है। जो शब्द हमारे अचानक से आए इमोशंस को बता रहा है वो हमारे इंटरजेक्शंस हो गए, क्या हो गए, वो हमारे बेटा इंटरजेक्शंस हो गए। ठीक है, तो जैसे आहा, घुश, ग्रेट, हे हे, हुरे, हमें समझ में आ गया, ओह उप्स उप्स, ठीक है, ओह आउच, चोट से लग गई मुझे। ठीक है, हे वेल, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे इंटरजेक्शंस। ठीक है, तो उप्स I spilled the milk. Oops, मेरे से दूध गिर गया, मम्मी तो डांटने वाली है, बिल्कुल बिल्कुल, Oops. ठीक है, तो ये हमारे इंटरजेक्शन हो गए। एक और होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये होता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण, क्या होता है, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण से मतलब आपका क्या होता है, जैसे मैंने कहा शी इज वेरी ब्यूटिफुल, अभी हम एक एक हेड को सेपरेट भी समझेंगे तो फिकर मत करो, अगर जरा सा भी डाउट रह रहा है। ठीक है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत ज्यादा सुंदर है, वेरी क्या है, सुंदरता को दर्शा रहा है। ठीक है, तो एडवर्ब हमारे वह शब्द होते हैं, मैंने क्या बोला कि एडवर्ब हमारे वह शब्द होते हैं जो वर्ब को, ठीक है, जो वर्ब को, जो विशेषण को, जैसे मैंने कहा एडजेक्टिव को, या हम ये कहें अन्य एडवर्ब की, अन्य एडवर्ब की विशेषता को बताते हैं। तो विशेषण का काम क्या है, वो संज्ञा है, सर्वनाम की विशेषता बताएगा। क्रिया विशेषण का काम क्या है, जो क्रिया की, विशेषण की या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। अभी बस इतना समझे, चलिए एक एक हेड से हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि नाउन क्या है, सबसे पहले क्या आ रहा है कि संज्ञा है क्या। ठीक है, अब देखो अ नाउन इज अ वर्ड, अभी हमने समझा था, बस उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने समझा था, तो देखो अ नाउन इज अ वर्ड, नाउन एक ऐसा शब्द है, नाउन क्या है, एक ऐसा शब्द है जो यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, जब हम किसी व्यक्ति के नेम को दर्शा रहे हैं, नाम को दर्शा रहे हैं, प्लेस जगह को दर्शा रहे हैं या किसी चीज को दर्शा रहे हैं। अभी मैंने समझाया था, जैसे कि मैंने कहा पेन, ये है क्या, पेन क्या है, संख्या, पेन क्या है, मेरे हाथ में है, तो मैंने कहा आई हैव ब्लैक पेन, मैंने कहा आई हैव ब्लैक पेन, ये मेरा ब्लैक पेन है। ठीक है, अब मैंने ये बोला
अभी मैंने सारे हेड्स एक बार ही बता दिए हैं, तो आई क्या हो गया यहाँ पर? प्रोनाउन। क्यों? मैंने मेरा नाम नहीं लिया, मेरी जगह मैंने आई बोला, ठीक है। ब्लैक क्या है? ब्लैक क्या है मैम? पेन की विशेषता बता रहे हैं। नाउन क्या है? नाउन। तो ये क्या है? नाउन की विशेषता क्या कह रहे हैं? काले कलर का। तो ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव, ठीक है। अब मैंने कहा डॉग, डॉग, माई डॉग इज वेरी नॉटी। नॉटी क्या हो गया? एडजेक्टिव। वेरी क्या हो गया? एडवर्ब। देखो हमारे को अभी आ गया समझ में, ठीक है। डॉग। वर्क, आई हैव वेरी हार्ड वर्क पर्सन, ठीक है। आई हैव वेरी हार्ड वर्क, हार्ड वर्किंग पर्सन एट माई ऑफिस। तो ऐसे बोल सकते हो, हार्ड वर्क ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। म्यूजिक मतलब संगीत। आई लव म्यूजिक, ठीक है। मैंने बोला आई लव म्यूजिक, मुझे संगीत बहुत पसंद है, मेरे को संगीत से प्यार है। टाउन, देर इज अ टाउन हॉल, देर इज द टाउन हॉल इन द ऑफिस। लंडन, माई ड्रीम इज टू गो टू लंडन, मुझे लंडन जाने का बहुत दिल है, मेरा सपना है। टीचर, माई टीचर नेम इज, आपकी जो भी टीचर का नाम है मैं अपना ले लूँ, ठीक है। जॉन, जॉन इज माई बेस्ट फ्रेंड, जॉन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ पर पर्सन, प्लेस और अ थिंग, चलो फटाफट से करते हैं। पेन क्या है? थिंग, ठीक है। डॉग क्या है? ये पीपल में आ जाएगा, या ये हम कहेंगे एनिमल, लिविंग बींग में। वर्क क्या है? ये थिंग में आ जाता है। म्यूजिक थिंग में आ जाएगा। टाउन प्लेस में आ जाएगा। लंदन प्लेस में आ जाएगा। टीच पर्सन में आ जाएगी, ठीक है। जॉन पर्सन में आ जाएगा। तो यहां पर हमने क्या करा? नाउन क्या है? पर्सन, प्लेस और अ थिंग, ठीक है। तो नाउन क्या है? मैंने बोला पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया। पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया। तो एक वर्ड मैंने और बोला आइडिया, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडिया को जनरली हम डेफिनेशन में नहीं लिखते हैं, लेकिन वो संज्ञा ही होती है। कैसे? पर्सन, डेविड, इमली, ठीक है। ही, शी, मदर, ये क्या हो गया? पर्सन। प्लेस, एशिया, यूरोप, अमेरिका, इंडिया, पैसिफिक ओशन, ठीक है। थिंग क्या हो गया? मोबाइल, बुक, पेंसिल, डेस्क, कार। तो ये क्या हो गया? हमारी चीजों के नाम हो गए। आइडिया मतलब कि ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? एक चीज ही है, लेकिन ये हमारा आइडिया है, विचार है। थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। मैंने थिंग में ले लिया, लेकिन इसे आप विचार में भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप, फ्रीडम, लॉयल्टी, एंगर, गुस्सा। तो ये सब के सब क्या आ गया? ये सब के सब हमने कहा ये हमारा नाउन है, लेकिन आइडिया है, ठीक है। थिंग बोल लो, नॉन लिविंग है, मतलब कि इमेजिनेटिव है ना, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। इमेजिनेटिव नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो ये हमारा नाउन हो गया। अगला हम करते हैं प्रोनाउन को डिस्कस, ठीक है। व्हाट आर प्रोनाउन्स? प्रोनाउन्स क्या होते हैं, पहले ये समझिए। अब प्रोनाउन इज अ वर्ड, मैंने कहा प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो यूज होता है बजाय नाउन के, इंस्टेंट मतलब बजाय नाउन के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अगर आपको हिंदी में लिखना है ना, तो आप ये भी लिख सकते हो, सर्वनाम वह शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, स्थान पर आते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है आई, यू, ही, शी, सम। सम मतलब कुछ, सम मतलब कुछ, ठीक है। तो यहां पर मैंने मेरे नाम की जगह पर आई बोल दिया, तुम्हारे नाम की जगह पर यू बोल दिया, ठीक है। लड़का है कोई, तो मैंने ये नहीं कहा आयुष, मैंने कहा ही। अगर आराध्य है, तो मैंने ही, शी, आराध्या की जगह शी बोल दिया। सम कुछ। अब कुछ क्या है? उसका भी तो नाम होगा ना, उसकी जगह मैंने कह दिया कुछ अंगूर, कुछ सेब। तो यहां पर कुछ जब यूज किया तो वो प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या होता है? आई, शी, ही और वी। अब हम अगला हेड करेंगे वर्ब को, लेकिन उससे पहले आप प्रकार देख लीजिए, और इन सबको डिटेल में हम अलग लेक्चर में करेंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस मैं आइडिया दे जा रही हूं, विचार दिखाई जा रही हूं कि ऐसे ऐसे प्रोनाउन भी होते हैं, ठीक है। तो देखो, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर आता है। पहला होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैंने कहा आई, मैं, वी मतलब हम, वह मतलब ही या शी, ठीक है। वे प्लूरल है, मतलब कि क्या हो सकता है? दे हो सकता है उसका, ही और शी दोनों है तो दे हो गया, ठीक है। इट नॉन लिविंग थिंग को दर्शाता है। फिर हमारे होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये हमारे स्पेस को दर्शाते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज,
दिस दैट दीज दोस दिस यह दैट वह दीज वे दीज ये और दैट दो सॉरी दोस क्या होगा दोस क्या होगा ये ठीक है. तो ये स्थान को दर्शाते हैं. इंटरोगेटिव मतलब जब हम प्रश्न पूछते हैं. हाउ हु विच व्हाट वेयर. इनडेफिनेट मतलब जो हम गिन नहीं सकते ठीक है. इनडेफिनेट मतलब जिसका गिनने लायक नहीं है जैसे कि फ्यू कुछ सम ठीक है एवरीवन ऑल एक्सेट्रा. अभी आपको थोड़ा सा लोड लग रहा होगा लेकिन बेटा ये बस सुनते जाइए क्योंकि ये पहला लेक्चर है ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटिव करता है ईच मतलब ईच ऑफ यू अटेंड द क्लास ईदर ऑफ यू अटेंड द क्लास नीदर ऑफ यू अटेंड द क्लास ठीक है. तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव हो गए. पोजेसिव प्रोनाउन मतलब कि मेरा है तुम्हारा है हमारा है उसका है तो ये हमारा पोजेसिव हो गया. रेसिप्रोकल ईच अदर वन अनदर मतलब कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रिलेटिव मतलब जब हम रिलेट कर रहे हैं हुम हुमेवर दैट समटाइम्स व्हाट ठीक है. रिफ्लेक्सिव मतलब जब मैंने कहा आई विल डू माई वर्क माई आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ मतलब मैं ये काम भी करूंगी लेकिन खुद से ही करूंगी तो ये रिफ्लेक्शन दे रहा है वापस मेरे पे ही आ रहा है. हिमसेल्फ ही हिमसेल्फ डन दिस वर्क हिमसेल्फ हो गया ठीक है. इंटेंसिटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंक्लूड माई सेल्फ एक्सेट्रा. तो अभी मैंने जस्ट आपको बताए हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं. इस पर पूरा लेक्चर होगा जब हम प्रोनाउन करेंगे. बस मैं आपको आइडिया दे जा रही हूं कि प्रोनाउन इस प्रकार के होते हैं ठीक है. तो जब आप पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि आई मी माई माइन यू यू योर योर्स ही हिम हिज शी हर हर हर्स इट इट इट्स इट वी अस आर आर्स यू यू योर योर्स दे देम देयर देयर्स. तो ये प्रोनाउन जब हम यूज करते हैं ये मेरा पेन है दिस इज माई पेन ठीक है. आई एम योर इंग्लिश टीचर आई विल टीच यू इंग्लिश. तो यहाँ पर आई जब यूज किया हमने तो वो सब्जेक्टिव केस में होता है ठीक है. आई हैव रिटन दिस ऑन द बोर्ड मैंने ये बोर्ड पर लिखा है तो मैं करता हूं तो यहाँ पर आई हो गया ठीक है. आई लव यू मैंने कहा आई लव यू मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. यहाँ पर जो यू है वो यू ही रहा. योर पेंसिल इज विद मी तुम्हारी पेंसिल मेरे साथ है. तो तुम्हारे को मैंने योर करके बुलाया क्यों क्योंकि वो रिश्ता बताया मैंने पोजेसिव बताया. मैम बहुत ज्यादा लोड है ऐसे तो समझ ही नहीं आएगा हमें. नहीं अभी आपको बस ये समझना है कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर आ रहा है ठीक है. कितने प्रकार के संज्ञाएं हैं कितने प्रकार के सर्वनाम हैं ये मैंने आपको बस दिखाया है ठीक है. इस पे पूरा लेक्चर लिया जाएगा तो ये पहला लेक्चर है नहीं आ रहा है छोड़ दो अभी के लिए. अभी बस अब ये समझो सर्वनाम वह है जो संज्ञा के स्थान पर आ रहा है ठीक है. अब हम करते हैं आगे क्रिया क्या होता है ठीक है. क्रिया क्या होता है वर्ब ठीक है. तो हमारा हुआ वर्ब तो यहां पर हम कहेंगे कि व्हाट इज वर्ब ठीक है. वर्ब क्या है वर्ब क्या है समझो. वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट. वर्ब एक ऐसा शब्द है जो एक्सप्रेस करता है एक्शन को या स्टेट मतलब अवस्था को. जैसे मैंने आपको बताया हैव डू लाइक वर्क सिंग आई कैन मस्ट. अब यहां पर देखो मैंने कहा आई हैव डन दिस वर्क मैंने ये कार्य करा है. आई हैव डन दिस वर्क मैंने ये कार्य कर दिया है. हैव क्या है ये सहायक क्रिया होती है. क्या होती है सहायक क्यों मैंने यह कार्य डन मतलब करना तो यह हमारा मेन वर्ब हो गया. मेन वर्ब क्या होता है मुख्य कार्य क्रिया मतलब क्या हुआ डन करना हमारा मुख्य है और मैंने ये काम कर दिया. हैव हमारा थोड़ा सा क्या कर रहा है डन के साथ हेल्पिंग हैंड दे रहा है ठीक है. डन के साथ हेल्पिंग हैंड दे रहा है तो आई हैव डन दिस वर्क. तो हैव डू लाइक वर्क सिंग कैन मस्ट तो ये क्या हो गया हमारे टाइप ऑफ वर्ब्स हो गए ठीक है. तो वर्ब कितने प्रकार के हुए. क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है. पहली होती है मेन वर्ब मतलब जो शब्द डूइंग वर्ड्स जो काम कर रहे हैं और दूसरा होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है इज एम आर वॉस वर हैव हैड डू डस डिड विल एक्सेट्रा. तो ये हमारे क्या होते हैं क्रिया होती है. क्या होती है ये हमारी वर्ब होती हैं. क्लियर हुआ. तो क्रिया जो होती है वो हमारी दो प्रकार की होती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब क्या है सहायक क्रिया. हेल्पिंग वर्ब क्या है जैसे कि इज एम आर ठीक है. आई एम योर टीचर आई एम योर टीचर आई एम टीचिंग इन द क्लास ठीक है. मैंने क्या बोला कोई मेरे पास आया मैंने कहा आई एम टीचिंग मैं पढ़ा रही हूं. मेरा मुख्य क्रिया क्या है मैं पढ़ा रही हूं तो ये मेरा
मेन वर्ब हो गया, और एम क्या हो गया, ये इसको सहायक दे रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गई. क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई. तो इस लेक्चर में हमने तीन हेड्स को पढ़ लिया, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को. अगले लेक्चर में छोटा सा रह गया है विशेषण, क्रिया विशेषण, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस को हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, और अगर जरा सा भी डाउट आ रहा है तो एक बार ही लेक्चर को फिर सुन लो, कमेंट सेक्शन में डाउट लिख दो, और बुक को खोलो, स्लाइड को देखो और समझने का प्रयास करो. तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. थैंक यू सो मच एवरीवन, चैनल पे बने रहिए. बाय बाय, टेक केयर.